ये आरोपी पकड़ाए हैं जानकारी नहीं। बयान चौकी अंतर्गत एक दिन पहले एक वन रिक्शे के ऊपर ये तीर चलाए थे। तीर चलाने से वन रिक्शे का काफ़ी घायल हुआ था और वन रिक्शे का इलाज रायपुर में हो रहे थे। तो इसमें हमने बया चौकी के अंतर्गत धारा 307 आर्म्स एक्ट एवं 186 IPC के तहत इसमें FIR दर्ज किए थे। FIR दर्ज करने के बाद वन विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम गठित हुआ था और इसने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सक्सेसफुल हो गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके अभी न्यायिक रिमांड में अब भेज रहे हैं। हमारे वन रक्षक जो चरणवीर के अनुसार सम्मानित थे, उनको दो दिन पहले तीर धनुष से किसी ने हमला किया था और फील्ड में जाते समय उनके जब उन्होंने एक अपराधी संदिग्ध अपराधी को देखा था तो वो भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे जब वो दौड़ते रहे मेरे वन रक्षक, तो जब बहुत क्लोज हो गए, उनके नज़दीक आ गए, तो फाइनली उन्होंने उनके ऊपर पहले कुल्हाड़ी से अटैक किया। जब उससे बात नहीं बनी और उनको लगा क्या कि वो अब पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने अपना तीर धनुष निकाल के वन रक्षक के को हिट किया, जिससे उनके बॉडी में रिब्स के अंदर जो है वो तीर का जो वो है वो अंदर चला गया। इमीडिएटली उनको अस्पताल ले जाया गया और प्राइमरी उपचार के बाद पिथौरा से उनको MMI रायपुर भेजा गया, जहाँ पर उनकी ऑपरेशन करने के बाद अभी हालत जो है वो आउट ऑफ डेंजर है। जहाँ तक केस का सवाल है, तो घटनाक्रम के बाद आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन हुए, जिसमें पुलिस और वन विभाग की जो संयुक्त टीम है उन्होंने लगातार आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशंस किए। चूँकि वो क्षेत्र महासमुंद से लगा हुआ था, इसीलिए महासमुंद की फॉरेस्ट टीम को भी साथ में इन्वॉल्व किया गया था और जो हमारे डॉग स्क्वाड की टीम है जो अचानक मार की है उनको भी पर्सनली बुलाया गया था, क्योंकि हमारे पास एरो जो था और उसका पहचान और उसके जो स्मेल थे वो हमारे पास मौजूद थे। इसको देखते हुए पूरे एरिया का निरीक्षण और पूरे क्षेत्र में जो है वो सघन छापेमार कार्रवाई की गई। फाइनली जो हमारा स्पॉट जो है वो जैसे ही फाइनलाइज हुआ, तो डॉग स्क्वाड टीम ने उसके आसपास के जो हमारे भीतीली ग्राम है उसके पास का जो कमार डेरा करके क्षेत्र है जहाँ पे कमार जनजाति के लोग रहते हैं, वहाँ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको स्मेल से पहचान के आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद आज सुबह 6 बजे हमारी पुलिस और फॉरेस्ट की जॉइंट टीम ने जाके इमीडिएटली उनसे पूछताछ की कार्रवाई शुरू की और इमीडिएट पूछताछ की कार्रवाई में जो अपराधी द्वारा जो है वो जो अपराधी देवलाल हैं जिन्होंने वो तीर को मारा था, उनके द्वारा अपना अपराध जो है वो कबूल कर लिया गया। सर, ये शिकारी बाहर से जंगल अंदर कैसे घुस रहे हैं सर? चूँकि आप देखेंगे तो बलौदा बाजार और महासमुंद जो है वो बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है और एक तरफ हमारा फॉरेस्ट का सेंचुरी का एरिया है और रोड के दूसरी तरफ जो है वो पिथौरा महासमुंद का क्षेत्र लगता है और उसकी जस्ट बगल में वो रहते हैं और जंगल तक उनको पहुँचने के लिए सिर्फ 300 से 400 मीटर की दूरी है, जिसमें वो आसानी से पहुँच जाते हैं। चूँकि लोकल जनजाति के लोगों के लिए और आसपास बानों वगैरह के जो लोग हैं वो जनरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्शन करने के लिए हमेशा जाते रहते हैं और आजकल महुआ का सीजन है, तो लोगों को मौका भी है क्या कि वो जाके फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करें और अपने रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं। लेकिन किसी भी तरीके से जो सेंचुरी के अंदर घुसते हैं या वेपन के साथ घुसते हैं, अनाधिकृत तरीके से घुसते हैं, तो उनके ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है और इस तरह के कृत्य में पुलिस के थ्रू अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और बाकी जो अन्य धाराओं में खींच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा खींच रहे हैं ना, वो डर के मारे छूट रहे ये तीर कमान ला तो शिकार करे बर लेके रहे इसकी काकर बर करे वो शिकार करे बर लेके शिकार है कहाँ का शिकार करता जंगल में तुम्हारा की रही रही चिपड़ा होता मारते हैं सुअर ज्यादा हुआ तो बस प्रशासन की जानकारी के बगैर थोड़ा बहुत ये इनका चलता है आज।